subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। और जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, आज हम चर्चा करेंगे एनालॉगी पे, समरूपता पे। दरअसल सच कहें तो ये एनालॉगी, समरूपता एक ज्ञान का परीक्षण होता है। कोई टॉपिक नहीं इसे कह सकते, ज्ञान का परीक्षण है कि आपको हर तरह का, मतलब चारों तरफ आपके समाज में जो भी हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, जीके हो, जीएस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कुछ भी, साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जितनी भी सब्जेक्ट हैं, आपको कितनी जानकारी है, अगर सारे सब्जेक्ट की आपको जानकारी है तो आप इसको बेहतरीन तरीके से कर सकोगे, और अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, और जो आमतौर पर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपको उसका बहुत ही फायदा होने वाला है, और आपके अंदर एक समझ आ जाएगी कि हाँ, हमें इसको टैकल कैसे करना, हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए, ज्यादा समय न गवाते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। जैसा कि आपके सामने ये पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि जैसे कोयला जो है वो उष्मा से संबंधित है तो मोम किससे संबंधित है। देखिए, आपके सामने टाइमर भी चल रहा है, ये टाइमर जैसे ही खत्म होगा इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूं। तब तक आप इसका प्रयास कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये कोयला है और उष्मा है, तो आपको इसमें संबंध देखना होता है कि कौन किस प्रकार से किससे संबंधित है। तो कोयला से उष्मा की प्राप्ति होती है, तो मोम से हमें क्या मिलता है? एनर्जी तो नहीं मिलती, मोमबत्ती तो नहीं, क्योंकि मोमबत्ती खुद एक मोम से बनी होती है, मधुमक्खी तो बिल्कुल अलग हो गया। तो इसका आंसर आ गया लाइट। जब गांव में लाइट चली जाती थी तो प्रकाश के लिए बहुत पहले तो मिट्टी के तेल के दिए बनाए जाते थे, उसका उपयोग होता था, लेकिन उसके बाद मोमबत्ती ने उसका स्थान लिया, और जब लाइट चली जाती थी तो इसका उपयोग किया जाता था प्रकाश के लिए। और अब तो इसका भी समय चला गया, क्योंकि अब ज्यादातर यूज होते हैं इन्वर्टर, ज्यादातर घरों में, गाँव में भी अब इन्वर्टर होते हैं, तो इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन मोम से हमें प्रकाश मिलता है, इसका सही आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे देखिए, चलिए टाइमर लगा दिया आपके सामने। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा। कह रहा है कि L इज रिलेटेड टू O सेम वे एज K रिलेटेड टू, मतलब कि जैसे L जो है वो O से संबंधित है, L जो है वह किसी प्रकार O से संबंधित है, तो उसी प्रकार K से कौन सा अक्षर संबंधित होगा। तो अगर कोडिंग डिकोडिंग की क्लास आपने करी होगी, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग क्लास कराऊंगा जब, तो आपको ये याद करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे हम याद करें, कैसे हमारे सामने जब लेटर आए तो हम समझ जाएं कि इसके प्लेस वैल्यू क्या है और आगे क्या हो सकता है प्रश्नों को देख करके। उसकी मैं एक क्लास लेने वाला हूं, तब तक मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। देखो, एल की प्लेस वैल्यू होती है बेटा 12 और ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। अब देखो, 12 और 15 को ऐड करो तो 27 हुआ। जिन दो लेटर्स के प्लेस वैल्यू का योग बेटा 27 हो जाता है, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार होता है के, के का होता है 11। अब ये इसका अपोजिट लिखा गया है, तो के का अपोजिट क्या होगा? के की प्लेस वैल्यू होती है 11। हमें नहीं पता कि कौन सा लेटर होगा, मान लेते हैं कि इसमें अगर हम एक्स जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। अब ये बेटा प्लस है, उधर जाके माइनस में होगा, तो एक्स बराबर 27 माइनस 11 16, और 16 बेटा प्लेस वैल्यू होती है P की, और K का अपोजिट होता है P। कुछ लोग इसे कमला पसंद से भी याद करते हैं, कुछ लोग कबाब पराठे से भी याद करते हैं,
और कुछ लोग इसे बेटा कानपुर से भी याद करते हैं। तो के का अपोजिट होता है पी, कबाब पराठा कानपुर और कमला पसंद भी तो याद कर ही लेते हैं लोग। चलो उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छे से बातें क्लियर हुई होगी और समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए समय समाप्ति की घोषणा। अच्छा ये देखो, ये 4 है, ये 9 है, ये 25 है, ये बेटा होता है 5 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 2 का स्क्वायर। तो आगे क्या होगा, एक अगर देखा जाए हम तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये एक ज्यादा एक बढ़ के हुआ है। और आगे हम क्या करेंगे, 5 में भी तो एक बढ़ेगा, तो 6 का स्क्वायर होगा 36। अच्छा मन में यह भी आ सकता है, प्रश्न मन में यह भी आ सकता है कि ये 2 का स्क्वायर है 3 का, ये 5 का, तो आगे 7 का स्क्वायर होगा ना। तो देखा जाए तो देखो 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर की सीरीज है ना, प्राइम सीरीज है। लेकिन बेटा हम सीरीज थोड़ी पढ़ रहे हैं, ये तो एनालॉगी है ना, समरूपता है ना। इसमें यह बताओ था कि जिस प्रकार ये इससे संबंधित है उसी प्रकार यहाँ जो होगा वो इससे संबंधित होगा, तो इससे एक बढ़के ही हुआ है ना, तो यहाँ पे एक बढ़के होगा। तो इसलिए आप कंफ्यूज होके 49 मत कर देना, क्योंकि ये सीरीज नहीं है, ये एनालॉगी है। अब उम्मीद करता हूँ कि सबको बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसका जवाब दीजिए। टाइमर हमारा लकवाग्रस्त हो गया है, चलने फिरने में असमर्थ है, तो आप लोग इस पे दिल पे मत लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को जब हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले हमारे मन में जानते हो क्या आएगा, ये 25 है, ये 625 है। तो अगर जिसको याद होगा उसको पता होगा कि 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये सोचेगा इसका स्क्वायर करके लिखा गया है, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो 35 का स्क्वायर होता है बेटा 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 चौके 1225। ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका सीधा सा एक आंसर होगा बेटा, 25 को लिख दिया आगे 6 लिख दिया गया, यहाँ 35 लिख जाएगा आगे 6 लिख देगा, आंसर हो जाएगा 635। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, आप कंफ्यूज मत होना। अगर 1225 होता तो निश्चित तौर पे हम इसे वरीयता देंगे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि इसके अलावा कुछ और है नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए हम इस पे जाएंगे, ये पूछा गया प्रश्न है। मैं बनाया होता तो यहाँ पे 1225 ही रखता, इतनी छोटी चीज नहीं रखता। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने टाइमर चल रहा है। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। तो यहाँ पे देखो ये आँख, ये मायोपिया, ये दांत। अच्छा मायोपिया जो होती है ना वो आँखों की एक प्रकार की बीमारी होती है, जिसमें आँखों में जलन होने लगती है। तो ये मायोपिया जो है वो आँख से जुड़ी हुई एक बीमारी है। तो बताओ दांतों में कौन सी बीमारी होती है, मोतियाबिंद। कभी सुना है क्या कि यार मेरी आँखों में, मेरी दांतों में मोतियाबिंद हो गया, किसी को कहते हुए सुना है? नहीं, तो इसको सही करो। ट्रैकोमा भी एक प्रकार की बीमारी होती है, लेकिन ये दांतों में नहीं होती है। और खुजली, दांतों में कभी खुजली होती है क्या, किसी को देखा है दांतों में ऐसे खुजाते हुए? नहीं खुजाते लोग, वो कुछ फंस जाता है तो उसे निकालते हैं, लेकिन वो खुजाते नहीं है, तो इसलिए यह भी खत्म। और ये पायरिया, पायरिया दांतों में ही होती है, इसलिए हमारा यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ
आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आपके सामने टाइमर भी चला दिया हमने। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। बड़ा ही जो है ना वो आरा चलाता है। दर्जी क्या करता है, नाप लेता है, लेता है। लेकिन जिस प्रकार ये आरा चलाना बढ़ई से संबंधित है, उसी प्रकार दर्जी से नहीं संबंधित है। फिर कपड़ा भी नहीं, सुई भी नहीं, ये सिलाई सिलाई मशीन चलाता है, तो सिलाई ही तो हुई। तो जिस प्रकार बढ़ई आरा से संबंधित, दर्जी से सिलाई संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। अच्छा 57 जिस प्रकार 10 से संबंधित है, उसी प्रकार 48 से क्या संबंधित होगा। तो एक चीज देखो, 5 और 7 को ऐड करोगे बेटा क्या होगा, 12। 7 में 5 घटाओगे तो क्या होगा, 2। इनका डिफरेंस 10 हुआ। अब देखो 4 में 8 जोड़ोगे तो क्या होगा, 12। 8 में 4 घटाओगे तो क्या होगा, 4। इनका डिफरेंस क्या होगा, 8। तो हमारा आंसर है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बी वाला हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। तो जिनको थोड़ी सी भी मतलब रुचि होगी, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में न्यूज़पेपर पढ़ता होगा या फिर न्यूज़ देखता होगा या फिर सीरियसली कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, उन्हें ये बातें ज़रूर पता होगी कि ईरान की राजधानी तेहरान होती है, ईरान की राजधानी तेहरान है, और बीजिंग जो है ना वो हमारे पड़ोसी देश चाइना की राजधानी है। तो इसका आंसर होगा चाइना, इसका आंसर होगा चाइना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसका आंसर दीजिए, टाइमर आपके सामने। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। तो जिनको राजनीति में थोड़ी सी रुचि होगी, उनको ये सब पता होगा। राजनीति आज़ादी के बाद से हम इसका निष्कर्ष निकाल ही नहीं पाए कि अच्छी है या बुरी है, कुछ सबकी अलग अलग राय है, कहीं पर अच्छी भी है कहीं पर बुरी भी है। राजनीति के ऊपर एक मुझे किसी की कहीं बड़ी अच्छी बात याद आ गई है, अगर सियासी लोग बसे नदी के किनारे तो ये होठ पानी के बूंद के लिए तरस जाए, अगर सियासी लोग बसे नदी के किनारे तो ये होठ पानी के बूंद के लिए तरस जाए, बस चले अगर इनका बादलों पर तो कह दें सारा पानी मेरे खेत में ही बरस जाए। तो चलिए अभी इस पे नहीं जाते कि अच्छी या बुरी है, हम अपने प्रश्न पे आते हैं। देखो यूएसए की जो संसद है ना,
जहाँ पे उनके राजनेताओं का जमावड़ा होता है उसे कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस का मतलब ही होता है लोगों का समूह। तो ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है? देखो ये कांग्रेस तो यूएसए की है ही, साथ में यह अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह कोलंबिया की भी है, कोलंबिया की भी। और संसद जो है मेरा भारत महान, ये अपना है। सैबोर जहां तक मुझे लग रहा है कि क्रोएशिया का है, क्रोएशिया का है। तो एक बचा पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन की संसद का नाम जो है वो पार्लियामेंट है। उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी अगर ये कोलंबिया क्रोएशिया में कुछ अगर दिक्कत होगी, गलत होगा, तो भाई मैं जीए रीजनिंग पढ़ाता हूं, जीएस का टीचर नहीं हूं, दिल पे ना लेना। हालांकि चेक कर लेना, मुझे तो लग रहा है सही है। चलो इसका बताओ, चलिए समय समाप्ति की घोषणा। राम का संबंध जो कौशल्या से है, वही परशुराम का संबंध किससे होगा? तो जिनको थोड़ी सी रुचि धार्मिक चीजों में होगी, थोड़ा जो धर्म में भरोसा रखते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, उनको पता होगा कि द्रौपदी जो थी उनका नाम था पांचाली भी उन्हें कहा जाता था। यह द्रुपद राजा की पुत्री थी और इनका स्वयंवर अर्जुन ने जीता था मछली की आंख में तीर मार करके, तो ये तो हुआ नहीं। सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता थी, ये भी नहीं होगा। देवकी जो थी वो भगवान कृष्ण की माता थी, तो ये बची रेणुका, ये रेणुका माता। और इनकी शादी हुई थी जमदग्नि ऋषि से, जमदग्नि ऋषि से, उन्हीं के पुत्र थे परशुराम। तो इसका सही संबंध, सही आंसर बेटा रेणुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आंसर दीजिए। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मारवन अट्टापट्टू है ना, ये श्रीलंका के बहुत ही अच्छे क्रिकेट के प्लेयर थे, अच्छे बल्लेबाज भी थे, कुछ दिनों तक श्रीलंका के कोच भी बने रहे, भी हाल ही में हटाए भी गए ये। तो डेमियन मार्टिन एक समय ऐसा था कि यह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करते थे। डेमियन मार्टिन, जो क्रिकेट में जिनकी रुचि होगी उनको ये बातें अच्छे से पता होंगी, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए इसका आंसर दीजिए। टाइमर लगा दूँ? टाइमर लगा दिया आपके सामने। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। ये जो कांडला है ना, गुजरात की एक जगह है। तो कोचिन किस राज्य की जगह है? वो है केरला की। तो इसका आंसर होगा केरल, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। दक्षिण का एक राज्य है, बड़ा ही मतलब कि शिक्षा के मामले में हमेशा से आगे रहा है और आज भी आगे है। तो कुछ योग्यताएँ हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएँ होती हैं। केरल की विशेषता है कि शिक्षा के मामले में बहुत आगे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर राज्य को होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए शिक्षा में आगे, क्योंकि शिक्षा एक आपके पास एक ऐसा शस्त्र है ना, अगर आपके पास यह है तो आपको कभी किसी से झुकने या दबने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना कभी आप भूखों मर सकते हो। तो इसलिए शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा धन होता है, उसे जितना ग्रहण करो उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए
टाइमर लगा दिया आपके सामने। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कुत्ता, यहाँ पे लिखा है रैपिज, यहाँ पे लिखा है मच्छर। तो जिस प्रकार कुत्ता से रैबीज संबंधित है उसी प्रकार मच्छर से क्या संबंधित है? दरअसल ये एक बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है। तो मच्छर के काटने से मलेरिया, ये तो बहुत ही आसान था, सबको पता हो मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। तो यहाँ पे देखिए असम बिहू, यूपी मतलब असम बिहू से जिस प्रकार संबंधित है, यूपी से कौन सा संबंधित है? दरअसल असम का नृत्य होता है जिसे बिहू कहते हैं। तो यूपी का नृत्य कौन सा है? कथक। यूपी का नृत्य जो है वो है कथक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर दीजिए जल्दी से सभी लोग, ये हमने टाइमर चालू कर दिया। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। ये देखो 8 से 20 हुआ है तो 14 से क्या होगा? तो देखो बेटा 8 में अगर हम 2 से गुणा करें तो होगा 16, फिर 8 का आधा कितना होगा बेटा? 8 का 1/2 करोगे तो कितना होगा? 4। तो 16 में 4 जोड़ो हुआ 20। अब देखो 14 में 2 से गुणा करो हुआ 28, और 14 का आधा करो क्या होगा? 7। तो 28 + 7 = 35, 35 इसका सही जवाब है। उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसका आंसर दीजिए, टाइमर आपके सामने है। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। 72 से 18 हुआ है। अच्छा देखते ही सबसे पहले जानते हो क्या मन में आया होगा? 72 में 4 से भाग किया तो 18 आया, तो 56 में 4 से भाग करेंगे तो 14 आएगा, और 14 ऑप्शन में है ही नहीं, 14 ऑप्शन में है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये तो नहीं होगा, ये तो यहाँ नहीं होने वाला। यहाँ होगा क्या? 7 + 2 * 2 18 हुआ, तो 5 + 6 * 2 6 × 5 = 11 × 2 = 22। तो इसका आंसर होगा 22। उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छे से बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए इसका आंसर दीजिए, टाइमर आपके सामने।
चलिए समय समाप्त हुआ। देखो 1752 कैसे हुआ होगा, 17 में 3 से गुणा करके 1 जोड़ोगे तो 52 होगा, वैसे ही 1 में 3 से गुणा करके और 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, 4। तो इसका आंसर है 4। चलिए नेक्स्ट। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे कल एक नए और अच्छे और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।